हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। सो अभी हम प्रतीक दादा के घर पे रुके थे, सो अभी यहाँ से निकल रहे। ये हमारे प्रतीक दादा है, मेरे इंस्पिरेशन। थैंक यू। कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, कि भाई इतना मेहनत कर रहा है तो उसको सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार करना। हाँ, ये देखो जैक भी वही बोल रहा है, मेरा डॉग है जैक, ये भी वही बोल रहा है ना, सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं, या फिर मैं रहो, ये रहे या कोई भी राइडर रहे, और स्कूटर से करना बहुत बड़ी बात है। तो इसको सब्सक्राइब करना अपने भाई को, मैं छोटा भाई है। थैंक यू दादा, चलो अपन मिलते हैं रोड पे। आएगा तू भी हैदराबाद? हैदराबाद आएगा? हाँ तो बोल ना, तो बोल ना भाई, गुस्सा आ रहा है इसको। एक्चुअली अपन ने बिस्किट नहीं खिलाया, इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गुस्सा हो गया। देखो, अरे रोड के चला जा रहा है। बाय। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, डे टू फ्रॉम मुंबई। सो अपन अभी मुंबई एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। अपन कल रात में प्रतीक दादा के घर पे ही स्टे किए थे अपन। सो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था जाने के लिए, बट फिर भी मेरे लिए वेट किए वहाँ पे प्रतीक दादा एंड स्वर्णा वहीनी, थैंक यू सो मच। उन्होंने मेरे लिए डिनर भी बनाया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, एंड उनका बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया। सो बहुत अच्छा लगा, हैप्पी बर्थडे प्रतीक दादा वंस अगेन। सो अभी अपन मुंबई में गियरलेस ब्रदर्स करके एक ग्रुप है, उनसे मिलने के लिए जा रहे अपन। उनसे मिलने के बाद में अपन घूमेंगे मुंबई में। सो जुहू के नियर में वो वैभव दादा मिलते बोल के बोले अपने को। सो ये मेरा फ्रेंड है जेडी, वो आया था अपने को मुंबई घुमाएगा, वो ऑफिस से छुट्टी ले गया। थैंक यू मेरे भाई मेरे। सो थैंक यू सो मच। अभी अपन मुंबई में घूमेंगे और अपन ना मुंबई में मचाएंगे। सो यही है वैभव दादा गेलस ब्रदर्स के, उनसे अपन मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। अंदर पे कुछ राइड का कुछ चल रहा है यहाँ पे अभी, इनके बाद में यहाँ पे रोड सेफ्टी का कुछ राइड है इनका। सो वो यहीं पे थे तो वो बाहर नहीं आ सकते थे, सो उन्होंने मुझे ही अंदर बुलाया। सो अपन अभी अंदर चलते हैं। सो अपना यहाँ पे मिलना हो गया भैया से, उन लोगों का भी राइड अभी स्टार्ट होने वाला है भैया लोगों का। सो अपन भी ज्वाइन करते थे बट अपने को कहीं और जाना है, सो लेट हो रहा है इसीलिए। सो देखो भाई स्टिकर कितने सारे हो गए भाई। सो अपन ये अभी लगा लेते हैं अंदर पे, फिर अपन यहाँ से निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज अभी अपन जा रहे हैं बांद्रा फोर्ट की तरफ, बांद्रा फोर्ट आगे पे पड़ता है, बांद्रा फोर्ट घूमने के लिए जा रहे हैं अपन।
सो भाई देखो व्यू कितना मस्त लग रहा है, एक नंबर भाई, बहुत मस्त लग रहा है व्यू यहाँ से। सो व्यू देखो आप। सो ये जो लेफ्ट में दिख रहा अपने को, ये है SRK, शाहरुख खान जी का घर। सो देखो अभी भी इतना लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे, शाहरुख खान जी तो नहीं है बट उनके मन्नत के साथ ही फ़ोटोज़ ले ले रहे ये लोग। सो अपन भी एक दो फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ से अपन निकलते हैं। वहाँ पे आते करते शाहरुख खान जी। सो गाइस अपन आ गए बांद्रा फोर्ट, ये फोर्ट है और ये व्यू देखो बहुत ही मस्त लग रहा। अपन फोर्ट के ऊपर चलते, ऊपर पे भी बहुत मस्त व्यू आता करते ऊपर से। सो अपन ऊपर से देखेंगे। भाई साहब क्या मस्त व्यू है ना, एक नंबर। भाई देखो क्राउड कितना ज़्यादा है अभी भी, लाइक क्या क्राउड है। वो जो दिख रहा वो वर्ली सी फेस है फ्लाईओवर। एक्चुअली अपन वहाँ जाएंगे सोचे थे बट वहाँ पे टू व्हीलर अलाउ नहीं है, फोर व्हीलर्स ही अलाउ है कहते। सो इसके लिए अपन वहाँ पे नहीं जा सके। भाई ये देखो बांद्रा फोर्ट से ये वर्ली सीलिंग है ना, वर्ली सीलिंग कर दीजिए भाई, एक नंबर। क्या मतलब लग रहा भाई, अगर ये नहीं होता ना ये सब घूम नहीं सकता था मैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये ट्रैफिक में ना भाग जाता। हाँ मुंबई में जेडी भी मिलेगा, मुंबई में जेडी भी मिलेगा हमारा। वॉट ए ब्यूटी मैन, ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त है। एक्चुअली फोर्ट पे अपन नीचे आ गए, यहाँ पे देखे बहुत मस्त है भाई। यहाँ पे हम थोड़े फोटोज़ वगैरह लिए, फ़ोटोशूट वगैरह किया हमने यहाँ पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे, आपको यहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। सो अपन यहाँ से भी निकलते। भाई क्या है ये, है क्या ये भाई, भाई इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है यहाँ पे। भाई मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंबई में हूँ, कहीं पे अपन बाहर, मतलब लाइक समझ जाओ अब बाहर पे कंट्री पे है। भाई गोप्रो में बहुत छोटा लग रहा होगा बट भाई जब लाइव देखोगे ना भाई हक्का बक्का रह जाओगे। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है भाई यहाँ पे, आप यकीन नहीं करोगे, उतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है भाई। गिनते गिनते ऐसे मुंड, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे गर्दन ऐसे ऊपर हो जा रही बट ख़त्म नहीं हो रहे फ्लावर्स। भाई देखो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं भाई, एक नंबर भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो भाई देखो कितना बड़ा बिल्डिंग है, अगर ऐसे गिनते रहेंगे तो ऐसे मुंडी ऊपर हो जाएगी अपनी बट बिल्डिंग ख़त्म नहीं होगी। सो गाइस अपन आ गए थे जुहू के पास में, जुहू देखने के लिए बट जुहू अपन अभी नहीं जा सकते कहते, रात हो गई। सो वहाँ पे अभी अपन कुछ भी नहीं देख सकते। अपन मरीन के पास आए थे, मरीन पे भी अपन उतना कुछ देख नहीं रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा था। सो अभी आकर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वेस्ट है हम आके भी। सो भाई
यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, सो अपन अभी कुछ भी देख नहीं सकते। सो अपन अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधा मिलते हैं आपको रूम पे। फाइनली अपने को रूम मिल गया। सो अपन रूम में आ गए अभी। बहुत भाई ट्रैफिक में इतना थक गया ना भाई, आज कसम से बोल रहा हूँ बहुत थका मैं। हैदराबाद से मुंबई आने तक उतना नहीं थका जितना मैं पुणे और मुंबई की ट्रैफिक में थक गया भाई। सो अपन यहाँ पे अभी एक्चुअली मैं थाने जा रहा था रूम के लिए वापस, जेडी जो मेरा दोस्त आया था ना दोपहर में उसके वहाँ पे। सो मेरे एक दोस्त ने, मेरा भाई है कज़न, उसने हैदराबाद से फ़ोन किया, वो बोला मेरा पहचानत वाले है यहाँ पे, मेरा दोस्त है सो उसके पास में बात करना एक बार उससे, उसके पास में कोई है तो बोला ठीक है। तो उसके बाद में अपन ना उनको कॉल किए, उन्होंने यहाँ का नंबर दिया तो अपने को कम से कम में करा दिया भाई ने। सो ये रूम है, अपन अभी स्टे करेंगे, कल सुबह में मिलते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो एंड प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो। एक्टिवा पे हैदराबाद से मुंबई आया, आपको अच्छा लगा? बट मेरे को रिस्पांस बहुत अच्छा आया, बहुत लोगों के डीएम आए, बहुत लोगों के मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर करना था, मेरे को घूमना था। सो अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया तो सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना भाई, और बाजू में जो घंटा रहता है ना घंटा दबा के जाना। बाय बाय।